नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन है तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते हैं यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ एट फाइव फोर फॉर जो फाइव जीरो नाइन टी जो सिक्स जो एट नाइन सेवन फाइव टू एट सी फोर फाइव फाइव यही नंबर है हमारे सिर्फ जहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं

कार्यपालिका और न्यायपालिका औद्योगिक विकास डिफेक डीप फेक तकनीक या डीप फेक टेक्नोलॉजी सबसे पहला आर्टिकल है हमारा यहाँ पर जो कि किससे जुड़ा हुआ है हमारे जो भी सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने यहाँ पर बताया है किसके ऊपर नाबालिग लड़कियों के विवाह के ऊपर तो चाइल्ड मैरिज जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ना तो वो चाइल्ड मैरिज का यहाँ पर पूरा टॉपिक है तो देखो भाई सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है हम देख लेते हैं उसके ऊपर क्या-क्या चीजें हैं और क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर ऊपर सवाल। देखो चाइल्ड मैरिज के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है या पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि चाइल्ड मैरिज होती क्या है चाइल्ड मैरिज का अर्थ होता है कि जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा जो है वो जो है अपनी अगर पुरुष है तो वो इक्कीस वर्ष की पूरी उसने उम्र ना करी हो और महिला है तो अठारह वर्ष की उसने उम्र जो है वो पूरी ना करी हो इंडिया में ऐसा देखा गया है कि चौबीस मिलियन से अधिक बाल बधुए हैं और राष्ट्रीय परिवार सुरक्षा सर्वेक्षण के अनुसार जो है विश्व में ये संख्या जो है वो साठ बिलियन इस तरीके से जिसमें से चालीस परसेंट तो भारत के ही हैं आप देख सकते हो कि भारत में ये संख्या कितनी ज्यादा है आप समझ सकते हैं कि ये संख्या जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है सो तो इंडिया के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं अभी फिलहाल जो है ये अः दो हजार के हिसाब से फोर्टी थी लेकिन अब ये जो है अभी आपको पता है कि काफी चीजों में इंप्रूवमेंट आई है मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ठीक हो गया है पर यस पहले के मुकाबले में तो इंप्रूवमेंट अब देखने को मिली है ठीक है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आया है आज के प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ पांच सालों का अगर आंकड़ा आप देखोगे तो तीन पॉइंट पांच परसेंट की गिरावट भी आई है और दो हजार बीस इक्कीस में तेईस पॉइंट तीन परसेंट तक जो है वो भी पहुंच गए लेकिन फिर भी यहाँ पर वन फोर्टी वन पॉइंट टू करोड़ की आबादी वाले देश में तीस तेईस पॉइंट तीन परसेंट का आंकड़ा भी अपने आप में काफी बड़ा ही आंकड़ा है छोटा सा आंकड़ा तो नहीं है ना ये भी समझ रहे ना इस चीज को तो इसमें आप अंदाजा लगा लो कितना हो जाएगा, तो तो ये, ये चाइल्ड मैरिज तो so, यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित है, में, में है और इस, इसके कारण समस्या लैंगिक आयाम से पता चलता है प्लस साथ ही साथ जो यहाँ पर जिनमें सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है उन स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अगर मैं बात करूं आदिवासी जो गरीब है गरीब की जो आबादी है वहां पे ज्यादा इन चीजों का प्रचलन है जैसे कि झारखंड 20 से 24 आयु वर्ग की जो है ऐसी महिलाओं की शादी जो है वो 18 साल की उम्र से पहले ही हो गई है और असम में भी इस चीज का काफी उच्च जो है अमाउंट देखने को मिला है कुछ राज्यों में बाल विवाह के आंकड़ों में पहले के के कंपैरिजन में अभी कमी देखने को मिल रही है जैसे कौन कौन से हो गए जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान इसमें कमी देखने को मिली मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ठीक है भाई एक तो ये हो गए अब अगर हम बात करें इसके कारण क्या हो सकते हैं तो देखिए इसके कारणों में सबसे पहला कारण है गरीबी क्या होता है ना कि जो गरीब परिवार होता है उसमें बालिक बालिका की सभी प्रकार के बोझ जैसे कहा जाता है कि भाई शिक्षा दहेज इन सब के लिए क्या करते हैं इन सबसे बचा जाए उसके लिए क्या कर दिया जाता है भाई बाल विवाह का सहारा ले लिया जाता है कि भाई शादी वादी कर दो तो जरूरत नहीं पड़ेगी दहेज वगैरह जो है दे करके निपटा दो ऐसा ना कहते ना कि लड़कियां बोझ है निपटा दो वो वाले काम में जो है लोगों का ज्यादा एक मानना है प्लस आप लोग जानते हैं भारत जो है पितृ पितृ सत्ता यहाँ पर हमेशा से प्रचलन रही है हमारे पितृसात्मक समाज में लड़की को हमेशा से ही पराया धन कहा जाता है और उसमें ये माना जाता है कि भाई वो एक लड़की जो है वो घर का सदस्य है ही नहीं वो पराया धन है उसकी जिम्मेदारी यही है कि भाई उसकी शादी करनी है ठीक है तो ये मान्यताएं जो है वो मान्यताएं चलती आ रही है तो मा, माता पिता भी हैं वो भी वहाँ पर बालिका का विवाह करने में ही यहाँ पर इस चीज का समर्थन देते हैं प्लस यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता एक जो है संस्था है आप लोग जानते हैं विवाह एक संस्था के रूप में उपयोग की जाती है जिसमें क्या है कि भाई दो परिवारों के बीच में आर्थिक सामाजिक सारे संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है तो वही है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि परिवार के वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जो संबंधित कन्या है उसके पर उसको विवाह यहाँ पर कर देना सही रहेगा असुरक्षा क्या होता है अविवाहित लड़की होती है उसके साथ मारपीट छेड़खानी ऐसे सुर... जो अपराध है उनसे भी सुरक्षित रखना होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि माता पिता जब जैसी बेटी जवान होती है यौ, यौवन के तुरंत बाद उससे, उससे पहले ही उनकी शादी करने की जल्दी भी होते हैं ताकि एक तरीके से अः कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े कल को उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए ऐसी जो सोच है आप लोग जानते हैं भारत के अंदर ऐसी सोच बहुत प्रचलित है ये सब कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सारी बातें बोलते हुए भी लेकिन वही ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ और ये बता रही हूँ कि देखिए आज की सोच ऐसी है ये आपको देखने को मिल रहा है चीज राइट नेक्स्ट है हमारे पास पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से बचना बाल विवाह में क्या होता है कि महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति है उससे वंचित रखा जाता है मतलब बाल विवाह कर दिया जाएगा तो पिता की संपत्ति बेटे की ही सारे पास जो है वह आ जाती है। Then, इसके बाद है ड्रॉप आउट स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ना शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होना या माता पिता दोनों के काम पर जाने के बाद घर में मदद करने के कारण जितने भी जो लड़कियां होती है उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है लड़कियों को शादी जल्दी करनी पड़ती है तो ये सब भी एक रीजन है इसके देन इसके बाद इम्पोर्टेंट रीजन है कानूनी पहेली बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया था यहाँ पर उसमें ये बोला गया था कि वो अठारह वर्ष की आयु से पहले किसी भी महिला का विवाह जो है वो प्रतिबंधित है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम आयु यहाँ पर पंद्रह वर्ष का उल्लेख किया गया है राइट अब जो है देखो यार बाल विवाह जैसी चीज अगर होती है तो उसका जो है उसका परिणाम क्या निकलता है परिणाम उसका ये होता है कि सबसे पहले तो गरीबी बाल विवाह के कारण जो है घरेलू स्तर पर गरीबी में वृद्धि होती जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज बढ़ती जाती है गरीबियों, अगर गरीबी बाल विवाह होता है तो उसका एक कारण और परिणाम दोनों ही है गरीबी इसका एक कारण है बाल वधु के रूप में लड़कियों को स्कूल से बाहर ले जाने से संबंधित संकोच के कारण शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाती है तो यहाँ पर जो आय का स्रोत है वो एक महिला के रूप में वो नहीं मिल पाता है प्लस भुखमरी है यहाँ पर किशोर माताओं से पैदा होने वाले बच्चों में विकास के अवरुद्ध होने की संभावना भी अधिक होती है क्योंकि जन्म के समय उनका वजन सामान्य से कम होता है ठीक है नेक्स्ट लैंगिक असमानता है ये भी आप लोग जानते हैं कि बाल विवाह का जो है स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार इन सबके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो भाई सरकार ने क्या इस चीज इस, इस के लिए स्टेप्स लिए हैं सरकार ने हमारे यहाँ पर जो है एक यहाँ पर तीन तरीके से कानून लेकर के आए पहला कानून 2006 में आया था दूसरा कानून 2012 में और तीसरा कारण यहाँ पर जो तीसरा कानून जो है महिलाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र कर दी गई है आज के समय में उसके बाद यहाँ पर कुछ स्कीम्स भी आई हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स आई हैं और हमारा जो एस गोल्स है एसडीजी करके लिखते हैं ना हम एट द रेट सेवनटीन जो नीति आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इसको इम्प्लीमेंट करने की इसके अंदर दो तक बाल विवाह की जो प्रथा है उसको समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है राइट तो ये था हमारा आर्टिकल फर्स्ट सेकंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं इनलैंड नेविगेशन आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में मोदी जी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रूज की सेवा गंगा रिवर के ऊपर एक क्रूज चलाई गई है जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी वाराणसी यूपी में है डिब्रुगढ़ आसाम में है और भारत दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ऐसी खबरें देखने को मिली है कि जो ये क्रूज है ऐसा मतलब कहा जाएगा कि एक क्रूज बीच में अटक गया है शिप रुक गई पटना के बीच में लेकिन अभी तक अभी जो है सरकार की तरफ से ये ट्वीट आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ सब सही चल रहा है ठीक है भाई तो उसमें जो है एम वी गंगा रिवर के नाम से उसको रखा गया है ये बहुत महंगा है पहले तो मैं बता दू अगर कोई भी आपने से यहाँ पे जाता है तो इट इज वेरी कॉस्टली पर पर्सन की कॉस्ट ये इक्यावन दिनों का आपको क्रूज देगा बोट की सर्विस देगा इक्यावन दिनों में आपका खर्चा भी इक्यावन लाख ही आने वाला है एक दिन का खर्चा यहाँ पर एक लाख से ज्यादा है ठीक है आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर सुविधाएं दी गई हैं अनडाउटेडली बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर दी जा रही हैं लेकिन ये जो है यहाँ पर आ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि आप इसकी टिकट के प्राइजेस वगैरह बुकिंग डिटेल सब आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसका जो रूट है वो वाराणसी से शुरू होकर जाएगा गाजीपुर गाजीपुर से पटना पटना से कोलकाता कोलकाता से चिलमरी गुवाहाटी मजूली आइलैंड है ना जो वहां से होते हुए ये पूरा जाएगा फिफ्टी वन जो है वो डेज का ये पूरा रहेगा जिसके अंदर ये बत्तीस सौ किलोमीटर को यहां पर कवर अप करने वाला है और पचास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी कवर करेगा जो अलग अलग जगह पे रुकेगा अभी पटना में साहिबगंज में कोलकाता में ढाका में डिब्रूगढ़ में ये भी रुकेगा यहाँ पर आपको हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी आपको एल्कोहल नॉन एल्कोहल स्पा डॉक्टर्स लोकल फूड वेजिटेबल्स हर चीज मिलेगी और आपको यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा भारत की पूरी हिस्ट्री आर्ट कल्चर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सारी चीजें आपको एलईडी टीवी बालकनी बेड और फोर्टी सीटर रेस्टोरेंट हर चीज मिलेगी यहाँ पर और ये मैंने आपको बताई दी इसकी कॉस्ट इक्यावन दिन का ये सफर आपको इक्यावन लाख रुपए कॉस्ट करेगा एक पर्सन का ठीक है एक पर्सन का और इसमें अभी तक जो टूरिस्ट जितने भी आए हैं वो ऑलमोस्ट यूएसए और यूरोप के लोग हैं जो कि इंडिया में यहाँ पर इसमें आए हैं और काफी सारी चीजें इसके अंदर है कि काफी अच्छे फीचर्स हैं इसके जो अभी कैप्टन है वो महादेव नायक है जिनको पैंतीस सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पर और मैं बता दूं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी रिवर के आप जानते हैं कि नदियों को उपयोग किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है मानव वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के माध्यम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है इससे हम ये कह सकते हैं कि एक सदी पहले तक गंगा नदी एक बहुत ही व्यस्त जलमार्ग हुआ करती थी इस पर ही हमारा नेशनल वाटरवे नंबर भी है जो कि अलाहाबाद से हल्दिया तक बना हुआ है देन यहाँ पर नई नई हैलोजी ऐसी आई है जैसे कि रेलवेज आए वाटरवेज थोड़ा कम होते गए लेकिन आज के समय में वाटरवेज का भी काफी तेजी से बदलता हुआ नजर में आ रहा है वाटरवेज भी अपने आप को खुद को रेलवे के साथ साथ सड़क मार्गों की तुलना में सस्ता भी बना रहे और हरित भी बना रहे हैं आज की बात करें हम तो अमेरिका नीदरलैंड्स जर्मनी चीन ऐसे कई देशों ने यहाँ पर जो है जलमार्ग के ऊपर काफी ज्यादा अपना पैसा लगाया है और इसमें इंडिया क्यों लगा रहा है पैसा देखो यार इंडिया का क्या है ना कि रेलवे और सड़क मार्ग के तुलना में अगर हम जलमार्ग की बात करें तो काफी किफायती और हरित रहता है साथ ही साथ इसमें जो है वो काफी भारी संख्या में रोजगार अफसरों का भी सृजन होता है भारत में जितना भी पर्यटन है और जो भी यहाँ पर आतिथ्य हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो भी डेवलप होता है और हमारे यहाँ पर जितने भी कंटेनर जहाज लिंक होते हैं इन सब की जितनी भी आवश्यकता होती है उसमें भारी मात्रा में स्टील कोयला ऊर्जा सीमेंट आदि की आवश्यकता होती है तो ये सब कुछ मिलता है यहाँ पर तो ये जो जलमार्ग परियोजना है ना केवल भारत के विनिर्माण आधार को सुदृढ़ करेंगी बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी यहाँ पर सहायता मिलेगी इम्प्रूव करने में सहायता मिलेगी ठीक है अब इसके साथ और क्या क्या इश्यूज हैं क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइम है ना वो ज्यादा लगता है आप लोग जानते हैं कि अगर सड़क से और रेलवे की तुलना तुलना में आप जाओगे तो जो एयरप्लेन होते हैं वो जल्दी पहुंचा देते हैं और जलमार्ग थोड़े सब जो है वो स्लो होते हैं यहाँ पे समय ज्यादा लगता है प्लस यहाँ पे जो एक थोड़ी सी जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी बिहड़ है और स्थलाकृति भारत में थोड़ी थी असमान सी है तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रायदीप जो भारत है उसमें बहुत ज्यादा कठोर चट्टाने हैं जिसकी वजह से वहां पे नहरों के निर्माण किए जा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा जो नहरों के होश के जहाज गुजर सके थोड़ा सा मुश्किल है ना ये चीज प्लस अगर हम बात करें भारत का पूर्वी इलाका हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल या पूर्वोत्तर ये सब बात करें तो यहाँ पर तो हम बिल्कुल बना ही नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे माउंटेन्स है तो यहाँ पर तो आप जलमार्ग का बनाने का सोच नहीं सकते ना क्योंकि माउंटेन्स है तो पूरे प्लस साथ ही साथ अगर जहाजों द्वारा कोई भी ध्वनि जो आती है ध्वनि आती है उसकी वजह से जल का जो पारिस्थितिक तंत्र इको सिस्टम थोड़ा सा खराब भी हो सकता है प्लस दुर्घटना भी हो सकती है और साथ साथ तेल रिसाव होने की भी संभावना ज्यादा है यहाँ पर भारत में जितनी भी नदियां हैं काफी सारी नदियां हैं वो मौसमी है तो क्या है कि वो मौसम मानसून पर डिपेंड करती है इसलिए जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तो हमारे देश में नदियां हैं उनका जो भी फ्लो होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है निरंतर नहीं है लेकिन जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो बारह मासी फ्लो करती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो मानसून और ग्लेशियर पे ही मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहती है लेकिन उत्तर भारत के अंदर वहां पे क्या है कि माउंटेन ज्यादा हो जाते हैं तो इसलिए वहां पे उतना ज्यादा माउंट पे बनाई नहीं जाते हैं तो ये है एक रीजन इसका और सरकार की बात करूं तो सरकार ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं जैसे कि आपके सामने है सागरमाला परियोजना सागरमाला परियोजना क्यों बनाई है सरकार ने सागरमाला यहाँ पर बनाई है ताकि जो हमारे सागर है मतलब की यहाँ पर हम अपने वाटर वेज को कनेक्ट कर सके ऐसी भारतमाला आई थी ना भारतमाला क्यों आई थी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप किया जा सके ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पर हम लोग इंडिया को कनेक्ट कर सके इंडिया को पूरे को कनेक्शन यहाँ पे बना सके तो सरकार ने मेरी विजन 2030 को भी प्रस्तुत किया था यहाँ पर और 2016 में भारत सरकार ने 111 सौ जलमार्गों राष्ट्रीय जलमार्गो को भी बनाया था लेकिन बात में अगर करूं एक में से तो भाई तेरह ही अभी ऑपरेशनल है ऐसा है नहीं कि सारे ऑपरेशनल हो ऑपरेशनल का मतलब कि वो अभी चल रहे हैं ऐसा है नहीं ऑपरेशनल सिर्फ गिनती के कुछ ही है ठीक है सरकार ने यहाँ पर विश्व बैंक के सहयोग से जलमार्ग विकास परियोजना का कार्य भी अपने अंदर ही शुरू करवा लिया है जलमार्ग विकास परियोजना और हमारे जो विश्व बैंक है वो इसमें यहाँ पर सहयोग भी कर रहा है ताकि हम नेशनल वाटर वे वन जो है जो वाराणसी से हल्दिया तक जाता है वो यहाँ पर विकसित करने में यहाँ पर हेल्प भी कर रहा है और उसकी जिसकी लंबाई तेरह किलोमीटर है और ये जो लंबाई है टोटल पूरी ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट वॉटर है सबसे लंबा जो है ये जल जलमार्ग है राइट right, एवरी और साथ ही साथ सरकार जो है यहाँ पर मल्टी मोडल टर्मिनल जिसका मल्टीपल यूज किया जाए जैसे कि भारत ने झारखंड में बनाया साहिबगंज जिले में मल्टी मोडल टर्मिनल को यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि प्रॉपर सिस्टम रहे जलमार्ग प्रणाली के संबंध में उचित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सरकार ने उपग्रह आधारित नदी सूचना प्रणाली का भी शुभारंभ किया हुआ है जिसमें उपग्रह आधारित नदी सूचना आपको हर जगह मिलती रहेगी प्लस इंडिया अपनी और नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी इस चीज में हेल्प कर रहा है जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया और बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरदेशीय जल पारगमन समझौते से दो राष्ट्रीय जलमार्ग भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक और जलमार्ग दो जलमार्ग एक क्या है वो गंगा रिवर पे है बताया था ना अभी वाराणसी से हल्दिया और जो जलमार्ग दो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है वो सदिया से दुबरी आसाम के अंदर ठीक है तो ये भी बिल्कुल जो है आप कह सकते हो थोड़ा पास में पड़ता है बांग्लादेश से तो ये है रूट जो कि कहां पे हमें बांग्लादेश तक रूट प्रोवाइड करेंगे प्लस नॉर्थ ईस्ट में भी और कनेक्शन के अवसर को प्रोवाइड करेंगे ठीक है ये आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे है हमारा पहला वाला रूट ये है पहला रूट पूरा और ये जो है ना अलग से आप देख रहे हो ये वाला ये रूट है सेकेंड वाला ऐसी वाटरवे वे थ्री भी बना हुआ है वो केरल के अंदर बना हुआ है ठीक है तो ये काफी सारी इस तरीके की सर्विस है तो वही है कि सरकार जो है यहाँ पर ये नहीं कर रही है कि हम सिर्फ एक ही क्या रेलवे पे या फिर एयरपोर्ट पे सिर्फ डिपेंडेंट रहे या सिर्फ रेलवे पे ही डिपेंडेंट रहे हम हर एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहे हमारी हर एक जो है हर जगह की जो व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए हर एक तरीके से सही होनी चाहिए तो उसी रिस्पेक्ट में सरकार ने ये वाले फौज को भी आगे जो है वो स्टार्ट किया है राइट तो इस तरीके से चीजें इसी में हमें तो बेनिफिट देंगे आगे आने वाले समय में बस उसी के लिए है ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर क्या है कि भाई जो अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य मंत्रालय की तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालिया आंकड़ों के अनुसार ये बताया है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें अस्सी परसेंट डॉक्टर्स की यहाँ पर कमी है मतलब कि ऐसे डॉक्टर्स के पोस्ट 80 परसेंट खाली पड़े हुए हैं देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है ये देख रहे हो ना सब लोग यहाँ पर क्या आंकड़े आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत का जो पूरा जो रिपोर्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट उसके अनुसार भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जितने भी विशेषज्ञों के पद हैं उसमें 80 परसेंट खाली है विशेष डॉ डौक, विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते तो ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी भी भारी कमी है तो इसी रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे जो चिकित्सक हैं जो हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं बाल रोग विशेषज्ञ उनमें भी बहुत कमी बनी हुई है जो हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं सर्जन कहते हैं और पीडियाट्रिशियंस फिजिशियंस इन सब की बहुत कमी चल रही है और भारत में जो है अभी करीब-करीब 6066 जो है सामुदायिक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं जिसमें से अधिकांश केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरी करने में स्वास्थ्य मंत्रालय काफी असफल रहा है अगर मैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा बात करूं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्रों में 14.4 परसेंट तक पद जो है वो खाली होने के साथ साथ महिलाएं जो होती हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग स्टाफ इसमें भी काफी कमी है ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होते हैं ये सेकेंडरी लेवल की होते हैं जहां पर जो है आपको जो रूरल एरिया है ग्रामीण इलाके हैं उनमें यहाँ पर विशेषज्ञ बनाए गए हैं और उनके परामर्श के साथ साथ उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यहाँ पर जो भारतीय जन स्वास्थ्य मानक राष्ट्रीय मिशन है उसके तहत यहाँ पर कोशिश की गई है कि उनको यहाँ पर गुणवत्ता के साथ जो है वो नए नए तरीकों से यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाए इसके लिए साथ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसके साथ चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि आधारभूत संरचना की यहाँ पर कमी है काफी क्या है कि अः सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अगर हम मैं बात करूं तो काफी कम अमाउंट में जो सेवा चाहिए वो उत्पन्न होकर आती है तो क्या होता है ना कि कई लोगों का स्वास्थ्य जो है इसके अंदर जो चाहिए वो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कम है और वही मैं बात करूं तो बजट भी उनको कम दिया जाता है ठीक है सरकार द्वारा जो बजट का आवंटन होता है जो एलोकेशन होता है वो भी काफी कम है अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करूं तो सार जो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो हमने स्पेंड किया वो सिर्फ एक परसेंट से बढ़कर ढाई परसेंट तक गया तो बस इसके तो कुछ इसका तो क्या ही वैल्यू होगा इतनी बड़ी जनता के लिए है ना तो ये है आप देखो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे जो बात करूं मैं सब सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं सेकेंडरी लेवल पे कम्युनिटी आते हैं टर्सरी लेवल पे आपके स्कूल और मेडिकल कॉलेजेस आते हैं तो क्या इसमें क्या ठीक किया जा सकता है सबसे पहले तो देखो यार सब लोग यही मानेंगे मेरी बात से अग्री करेंगे कि सबसे पहले तो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो जो फंडिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है सबसे पहला पॉइंट यही है कि फंडिंग इंक्रीज कीजिए फंडिंग इंक्रीज होगी तो चीजें अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी तो जितने भी यहाँ पर विद पोषण और संरचनात्मक कार्य है उनको यहाँ पर फंडिंग इंक्रीज करो दूसरा उनका जो हेल्थ का डेटा है जितने भी केंद्रों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य का जितना भी आंकड़ा है उनको एक तरीके से इकट्ठा करो और लोगों केंद्रों तक यहाँ पर सही तरीके से पहुंचाओ हेल्थ कैंप लगाओ लोगों को बताओ कि ट्यूबर क्या होता है रक्तचाप जो हाइपर है मधुमेह डायबिटीज ये क्या होता है जिन चीजों में ताकि लोगों में ये बीमारी का पहले ही पता लग जाए ये सब लोगों को बताने की जरूरत है सही समय पर अगर सही समय पर ये चीजें डायग्नोज हो जाती हैं, तो क्या होगा कि फायदा होगा ताकि लोगों को पहले से ही पता होगा कि देखो ऐसा है या वैसा है ठीक है ग्रामीण स्वास्थ्य का लोकतंत्रीकरण होगा दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है ये इसका एग्जाम्पल है हरियाणा की स्वास्थ्य कल्याण समिति इस तरीके की चीजों को पूरे देश में हर राज्य को अपनाने की जरूरत है ठीक है भाई तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इसको भी आपको दिमाग में रखना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं है ना अभी जो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे उपराष्ट्रपति जयदीप धानकर उन्होंने कहा है कि भाई जो 1973 का ऐतिहासिक केशवनंद भारती मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं माना जिसमें मूल संरचना को बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर सबको याद है ना यहाँ पे बताया गया था उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई जो हमारी जो न्यायिक समीक्षा होती है जुडिशियल रिव्यू जो आपको आर्टिकल थर्टीन में रिफ्लेक्ट होती है आर्टिकल थर्टीन में मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू कहीं भी नहीं नहीं। वो तो हमने यूएसए से लिया है तो यहाँ पर जो ये होता है है जो जो बन रहे हैं, 99th से आ था इसके कारण जो है, वो संसदीय संप्रभुता कमजोर हो गई है जो संसद है वो यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से जो न्यायिक नियुक्तियां उन पर एक नया ला, कानून लाने के लिए स, बिल्कुल स्वतंत्र है लेकिन उसके लिए भी आप जुडिशियल रिव्यू करोगे तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर इस बात के लिए कहा है क्योंकि आर्टिकल 141 क्या बोलता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया वो सब पे बाध्य होगा वो मानना ही पड़ेगा सबको और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को पता है भारती 1973 में बता दिया गया है जिसमें ये बोल दिया गया था कि जो हमारी मूल संरचना है बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किए बिना पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है ठीक है और ये बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट किसने दी है वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है उसी वाले केस में ये है भाई पूरी है मूल संरचना ये इसके ऊपर कई बार प्रिलम्स में क्वेश्चन आए हैं सो आई वांट एवरीवन कि इस पूरे टॉपिक को अच्छे से इसको आप रीड करो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या-क्या आता -क्या है क्योंकि इसके ऊपर कई बार सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज होती है ठीक है तो ये वही संविधान सर्वोच्च है सरकार गणतंत्र है लोकतांत्रिक है धर्मनिरपेक्ष है सबके लिए जो है यहाँ पर पावर सेपरेटेड है भारत का जो है संघीय व्यवस्था रहेगी डीपीएसपी को लागू करना है भारत की संप्रभुता और एकता एक साथ रहेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी न्यायिक समीक्षा धर्म निरपेक्षता ये सब बातें जो है इसके अंदर लिखी गई है अगर मैं संसद की संप्रभुता की बात करूं तो संसद की संप्रभुता जो है वो यूके में एक प्रचलित सिद्धांत है जिसमें क्या होता है कि यूके में संसद को एक सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण दे दिया गया है जिसमें क्या होगा कि कोई भी कानून होगा वो यहाँ पर उनको उसको बनाना उसको खत्म करना पार्लियामेंट के ही हाथ में होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता और संसद में भी ऐसे कानून पारित नहीं किए जा सकते जिन्हें भविष्य में इसी संसद में परिवर्तित ना किया जा सकता हो है ना कभी कोई ऐसा कानून थोड़ी ना बना सकते हो आप यहाँ पर जो आगे चल के उसमें चेंजेस ही नहीं हो सकते क्योंकि चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हमेशा होगा हो ही होगा कुछ ना कुछ चेंज तो चेंज तो आना कंपलसरी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे तो ये सब भी इसी में लिखा हुआ है नेक्स्ट उसके बाद पार्लियामेंट की जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति या निकाय को संसद के कानून के रद्द करने या शून्य करने का अधिकार नहीं है साथ ही अगर न्यायालय भी यहाँ पर संसद के किसी अधिनियम को शून्य यहाँ पर करने का बोलती है तो यहाँ पर उनको घोषित करने का अधिकार जो है वो उन लोगों को यहाँ पर अधिकार नहीं है ठीक है और उन्हें भी ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जिनके माध्यम से जो ब्रिटेन की संसद है उसमें कभी कोई हस्तक्षेप किया जा सके ठीक है भाई तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे चल रही है इंडिया के अंदर जो है हम कहते हैं भाई सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर मूल संरचना की बात करें तो मुझे इसमें कोई कमी नजर में नहीं आती ये तो ठीक बात कही है ताकि ऐसा ना हो कि संसद भाई संप्रभुता के नाम पर कुछ भी वो अपने आप को बढ़ा दे या फिर कुछ भी ऐसा पास करते जो हमारे देश के हित में ना हो है ना तो ये जरूरी है मिनरवा मिल्स केस एस आर बोमाई केस इन सब केसेस में यही बोला गया है कि भारत की मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो सबसे ऊपर है उसको सशक्त करने की जरूरत है और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू होगा और आर्टिकल वन वन भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो भी न्याय न्याय देती है वो हर एक के ऊपर बाध्य होगा और इसका मतलब ये है कि न्यायिक समीक्षा यहाँ पे की जाएगी ठीक है ना जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर अलाउ किया जाएगा है ना तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल आर्टिकल 141 में भी लेकिन आर्टिकल 50 यहां पर ये कहता है कि भाई यहाँ पर तरीके से काम करना है दोनों को ठीक है अपना दोनों ने तरीके तरीके से काम करना ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं अगर दोनों सेपरेट होकर के रहेंगे तभी यहाँ पर काम सही रहेगा अगर इंटरफेयर ज्यादा करेंगे ना तो दोनों ही काम सही नहीं कर पाएंगे ठीक है भाई

ऑफ एंड एंड वोटिंग वोटिंग जो है उसका निकाला जाएगा अगर उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी तो ये भी इसका मतलब ये क्या है कि जजेस को हटाने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट इंक्लूडेड रहेगी फिर तो न्यायाधीश के जांच अधिनियम 1968 इसके अंतर्गत अगर हमें आ, उनके लिए कोई भी अक्षमता है या कोई दुर्व्यवहार है उसको साबित करने के लिए भी हमें आवश्यक जांच सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए ही निर्धारण किया जाएगा प्लस सैलरी का भी उनकी रिड्यूस नहीं की जा सकती है ना पार्लियामेंट फिक्स करती है और उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हाँ अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी आर्टिकल थ्री के तहत तब बात अलग है उसके तहत तो कर सकते हैं ना उसमें तो साफ साफ लिखा है कि भाई सबकी सैलरी रिड्यूस होगी आर्टिकल थ्री फाइनेंशियल इमरजेंसी Plus यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सैलरी है पैसा है वो सब कहां से आती है पार्लियामेंट से आती है पार्लियामेंट के सी से आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि जो है उस पर ही इसका भार होता है ठीक है और इस प्रकार न्यायपालिका की जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है ठीक है प्लस न्याय न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र है वो भी आप कम नहीं कर सकते हो आर्टिकल वन थर्टी वन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जिसे हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे मूल अधिकार क्षेत्र उनका है तो यहाँ पर उनको आप ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते आर्टिकल वन थर्टी वन में साफ लिखा हुआ है ठीक है भाई अगर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में भी ये भी बात बोला गया है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई यहाँ पर आता है उसके लिए कंटेम ऑफ कोर्ट भी अवमानना की कार्यवाही और कोलिजियम सिस्टम कोलिजियम सिस्टम आप जानते हैं कि भाई जो सारी जितनी भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है वो कोलिजियम सिस्टम के तहत ही की जाती है प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो ठीक है भाई तो ये था आपका आर्टिकल ये वाला बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि भारत में जो है नवंबर 2022 में मैं बात करूं आईआईपी की आईआईपी जो आता है यहाँ पर जो एट कोर इंडस्ट्रीज का निकाला जाता है एट कोर इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर जो आईआईपी है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है ठीक है फिर से यहाँ पर सेवन की इसके अंदर वृद्धि देखने को मिली है ठीक है भाई अभी यहाँ पर हम बात करें इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें भाई टैक्सेशन बहुत ज्यादा है जीएसटी के रेट बहुत ही ज्यादा है भारत में जो कराधन की नीति है वो बहुत ज्यादा है जीएसटी की दरें कॉपोरेट की दरें आतंकवाद कर आतंकवाद ठीक है ईमानदार करदाताओं को अनुच, अनुचित करों का भुगतान करने के लिए विवश करना तो ये सब तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं ना कि भाई बहुत काम बिजनेस करना बहुत आसान है वो अभी भी कुछ सिटी और कुछ शहरों में ही है ऐसा नहीं कि हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी है MSAMies की बात करूं मैं तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको ऋण का सबसे कम हिस्सा मिलता है और उनका जो गुणवत्ता आधारपूर्ण रहता है तो उससे क्या होता है ना कि इन सब चीजों इन सब में अभाव होने की वजह से चीन से सस्ता सामान हमारे भारत में आता है तो ये एमएसएमई को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्लस जितनी भी हमारी निष्क्रिय उद्योग निष्क्रिय है वहां पर उनको पुनर्धार करने के लिए बहुत लंबा काम होगा क्योंकि उसके लिए आपको कानून लड़ाई पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी प्लस क्षेत्रीय विषमता है पूंजी श्रम कौशल शिक्षा बाजार इन सबकी खराब उपलब्धता के कारण वर्तमान में जो है काफी विषमता उपलब्ध हुई है 1991 की पॉलिसी के बाद भी बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है नहीं आई है चीजें उभर करके प्लस हमारे भारत में ठोस औद्योगिक नीति भी उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली है प्लस जो हमारे श्रम कानून है वो काफी बोझल श्रम कानून के रूप में देखे जाते हैं प्लस मैं बात करूं ग्रोथ की वृद्धि की तो आज भी जो वृद्धि है वो अभी भी तीस परसेंट से कमी चल रही है और सारा कुछ ज्यादा जो है हिस्सादारी अब तक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना सेकंड सेक्टर वहां पे है और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो एफडीआई काफी कैप्चर कर पाता है और वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन आ रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो यहाँ पर जो तो निर्यात में वृद्धि है वो बहुत कम देखने को मिल रही है भारत से निर्यात तो ना ज्यादा हो नहीं रहा है प्लस अगर मैं जनशक्ति मशीनीकरण पूंजी इन सब की बात करूं तो उतनी सुविधाएं यहाँ पर मिल नहीं रही है फंड उतने ज्यादा मिलते नहीं है प्लस आउटपुट की बात करूं तो बाजार से लेकर के जब बाजार से लेकर के पूरी जो चीजें होती है वहां पर उसके संतुलन में भी कमी है और जो उच्च रसद लागत की वजह से तो बौद्धिक संपदा अधिकार उनसे भी जुड़े हुए समस्याएं देखने को मिलती है आईपीआर होता है ना जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपने कुछ बौद्धिक संपदा से क्रिएट किया है तो उससे जुड़े हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही है ठीक है भाई नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या आते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जैसे कि मेक इन इंडिया जिसका उद्देश्य है कि भारत का ही जो जो एक सेक्टर है ना वो विनिर्माण सेक्टर को इम्प्रूव करना है और जो हमारी जीडीपी है

रक्षा खरीद नीति जिसमें स्वदेशी रक्षा जो है वो यहाँ पर उसको प्रोत्साहित प्रोत्साहन करने की जो है वो कोशिश की जाती है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यहाँ पर आती है प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना ताकि आपको ऋण आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके ये सारी जो है चीजें इनके साथ की जा रही है स्टार्टअप इंडिया स्कीम जिसमें नए नए रोजगार के अवसर आपको दे आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन करे उत्पादों सेवाओं का विकास किया जाए ये सारी चीजें जो है वो इंप्रूव की जानी चाहिए प्लस स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम होगी जिसका उद्देश्य क्या है कि महिलाएं जो है ट्राइबल महिला उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो हर स्टार्ट प्रोग्राम लेकर के लाई हैं ताकि जितनी भी ट्राइबल वुमेन है उनको भी आगे बढ़ने का मौका हम लोग प्राप्त कर करवा सके प्लस भारत और भी चीजें कर रहा है जैसे कि भारतमाला सागरमाला उद्यमों का यहाँ पर बढ़ाना ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो और लोग स्टैंड अप करने में और आगे आए ठीक है नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उत्पादन जितना होगा उससे जुड़े हमारा डीप फेक टेक्नोलॉजी इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ होता क्या जिनको नहीं पता जिनको पता है वो स्किप करके आगे बढ़ो डीप फेक टेक्नोलॉजी होता है कि आपने एक पर्सन की आवाज और उसके चेहरे के नक्शे को किसी और जो है चेहरे पर इंक्लूड कर दिया ये निकल के तब आया था जब एक व्यक्ति ने अमेरिका के जो आ, उसके अमेरिका के भूतपूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा उनकी पिक्चर क्रिएट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी ऐसे ही फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जी की भी, भी जो है पिक्चर ऐसे वायरल हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी बहुत सारे यहाँ पर सेलिब्रिटीज इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की भी हुई थी इस तरीके से जो है आप अपनी एक कोई भी पिक्चर फेक क्रिएट करके उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप ये दिखा सकते हैं कि एक्चुअली में वो पर्सन ही बात कर रहा है वो पर्सन ही बोल रहा है तो ये चीजें निकल करके आई है बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये आपको फेक जो है वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कोई जो है मतलब एक मिस इंफॉर्मेशन कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैलानी हो ये बहुत आसान है उसे करना तो लोग इसका बहुत मिस यूज कर रहे हैं स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं आप उसका फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं इससे तो ये पूरा मैंने आपको बताया हुआ है लोग इसको गलत गलत वीडियोस में इस्तेमाल कर रहे हैं इन इलेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं सेलिब्रिटी का फेज यूज करके आप किसी भी चीज को आप ने जो है इस्तेमाल कर सकते हो तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की गई है क्या होता है कि इसके अंदर हुआ भी था उसी के लिए यहाँ पर किया गया वीडियो में छेड़छाड़ करके यहाँ पर जो है उनसे कुछ ना कुछ जो भी जानकारी है वो यहाँ पर निकाली गई निकालने के लिए बोला जैसे एग्जाम्पल दू मैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लेदिमिर जेलिंस्की उन्होंने खुलासा किया था कि सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट जिसमें वह यूक्रेनी सैनिकों सेनि, को रूसी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करते हुए निर्देश दे रहे हैं असल में डीप फेक ही था उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था ठीक है तो ये सारी जो चीजें हैं आप कट्टरपंथी आतंकवाद ये सब चीजों को भड़काने में लोगों को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता की धारा पांच सौ इक्यानु सौ उसको मानहानि का केस किया जा सकता है और अगर कोई आप सूचना अधिनियम के तहत यहाँ पर अगर आप किसी से यौन रूप से कोई आप गलत जो है वो चीजें उसके बारे में पब्लिश कर रही हो तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है ठीक है और वही आरपीए एक्ट के तहत यहाँ पर अगर आप किसी राजनीतिक दल के बारे में जरूरी है सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट रोक लगाई जाए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसके ऊपर रोक लगाने की आज भी जरूरत है ठीक है भाई चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं लास्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहू के ऊपर सब लोगों ने जरूर सुना होगा बीहू के बारे में ये जो है है अभी अभी फेस्टिवल्स का मौका चल रहा है ना अभी मकर संक्रांत गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पोंगल मन रहा है सबसे बड़ा फेस्टिवल है पोंगल वहां का ऐसे ही अभी बिहू भी मनाया जा बिहू मनाया जा रहा है बीहू जो है यहाँ पर यह आसाम में मनाया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम और इसी के दूसरे नाम भी है ति बिहू माघ बिहू वोहाग बिहू ये सब आते हैं जैसे हम मकर संक्रांति कहते हैं वहां पे क्या बोला जाता है बिहू बोला जाता है जिसमें सन को यहाँ पे वर्षिप किया जाता है जैसे जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है पंजाब में मघही मनाया जाता है और गुजरात में उत्तरायण जिसमें काइट्स फेस्टिवल भी होता है वो सब मनाया जाता है तो ये सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी जो आप सामने देख रहे हो सारी इंफॉर्मेशन इसमें करेक्ट लिखी हुई है रीड कर लो सब लोग ये आसमीज पीपल कि बेसिक उन्हीं के लिए यहाँ पर मनाया जाता है ठीक है बिहू गीत गाए जाते हैं बिहू डांस करा जाता है ढोल ताल फ्लूट गोगाना बहुत सारी चीजें यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती हैं ठीक है ठीके? ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है ये लंदन में भी किया जाता है लंदन बिहू कमिटी वहां पर भी इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में बैसाखी मनाते हैं ना हम लोग वो भी इसका एक एग्जाम्पल है वैसे वहां ये मनाते हैं ऐसे यहाँ पर ये मनाया जाता है ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एम बी गंगा विलास जो आज ही मैंने आपको करवाया है ये गंगा विलास एक क्रूज की तरह है और ये वर्ल्ड का यहाँ पर लॉन्गेस्ट क्रूज रिवर क्रूज है करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है बिल्कुल सही लिखा हुआ है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ये ठीक है प्लस ये बत्तीस सौ किलोमीटर अभी मैंने बताया बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट ये प्रयागराज से जर्नी नहीं कर मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये वाराणसी से जर्नी स्टार्ट की है ये भारत की पांच स्टेट को कवर कर रहा है ठीक है 62 है बारह मीटर पिक्चर जरूर देखिएगा और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो सी इसमें गलत है प्रयागराज से नहीं वाराणसी दिब, से दिब्रू जा रहा है मैंने आज ही क्लास में बताया तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए समझ गए सब लोग इस क्वेश्चन को तो इसी टाइप से आपको अपने क्वेश्चन कवरअप करने हैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद